ना ब्रेकफास्ट में ख्वाहिश थी कि हमें गोभी के परांठे खाने, बट ये मुझे नहीं लेके जा रहे। गौ माता जी भी लेकर आए हैं और ये पीछे पड़ा हुआ था कि जाओ जाओ जाओ। तो आज एक मस्त सरप्राइज भी आ गया व्लॉग में। तो आपको मेरी आवाज देख के तो पता लग ही रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लिटरली आवाज निकालने के लिए इतना जोर लग रहा ना, बट ब्लॉग कैमरा उठाया बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पैशन। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। गाइस दिया निकिता हमारे घर पे स्टे करने आए हुए हैं। हाय। हेलो। आज इन लोगों की ना ब्रेकफास्ट में ख्वाहिश थी कि हमें गोभी के परांठे खाने हैं, तो कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। पक्का या झूठ तो नहीं बोल रहे ना? और गाइस मैंने ले लिया है शार, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी भी इस मौसम में कौन गर्म पानी से नहाता है, क्योंकि मैं तो जरूर नहाई हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। एंड अभी मम्मी दिया निकिता और हिमांशी कहीं पे जा रहे हैं मुझे छोड़कर फंक्शन में। इधर देख लो, आपको समझ ही गए होगे ये ढोलकी लेके कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहीं गाना वाना बजाने जा रही हैं ये। लेकिन अगर टीम मेंबर नहीं लेके जाएंगी साथ में तो मजा तो आएगा नहीं, बट ये मुझे नहीं लेके जा रहे। चलो कोई नहीं, सह लेंगे ये भी। बाकी अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज मैंने फूल ले लिए हैं। दो चार दिन से ना मैंने कोई पूजा नहीं करी, कुछ नहीं किया। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि हमारे घर में कौन आया है। और आज जाके मैं थोड़ी सी मतलब वीकनेस कम हुई, तो मैंने सोचा यार आज किसी भी तरह फटाफट से नहाएंगे एंड पूजा करेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, खाटू श्याम जी आए हैं हमारे घर, तो मैं इनको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लाई हूँ। गाइज फाइनली पूजा इज डन एंड देखो अब खाटू श्याम जी और भी सुंदर लग रहे हैं। खाटू वाले बाबा खाटू श्याम जी से ही आए हैं हमारे घर में। मम्मी पापा भी खाटू श्याम जी गए थे दो तीन दिन पहले, तो वहाँ से लेकर आए हैं। और मम्मी पापा ये गौ माता जी भी लेकर आए हैं और ये इतनी क्यूट सी है ना, बहुत ही प्यारी। तो गाइस थोड़ी देर नैप ले ली थी बढ़िया वाली, अब थोड़ा सा जरूरी काम है, चलो साथ चले। अंदर तो काफी शोर था, गाने चल रहे थे, एक तो मैं मेकओवर्स आई थी ड्रेसिंग कराने। कल हमारे कजन की मैरिज है, पारस की मासी के बेटे की, तो हमें मैरिज में जाना था एंड पारस को तो प्रेसिंग ही पसंद है। पीछे पड़ा हुआ था कि जाओ जाओ जाओ, मेरे में हिम्मत भी नहीं थी, बट मैंने कहा यार चलो प्रेसिंग तो करवा ही आती हूँ एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और गाइस चाउमीन तो मैं बस यहीं की खाती हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। तो भैया दिख गए तो मैंने सोचा चलो घर लेके चलती हूँ क्योंकि भूख तो बहुत लग रही है। गाइस अभी भी पारस की छुट्टी हुई ऑफिस से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कल विशु की शादी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मासी के घर डिनर पे। तो गाइस सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये देखो मम्मा ने यहाँ पे नमकीन चावल बनाया है और अभी हम आते ही खाना खा रहे हैं। और गाइस मेरे को भी मेहंदी लगवानी थी, बट देखो मेरी आधी लगी हुई है आधी नहीं लगी हुई, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मासी कांग्रेचुलेशंस। तो गाइस मासी के बेटे की शादी है कल। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो रात को तो बहुत देर हो गई थी सोने में भी और नींद पूरी हुई नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ा क्योंकि भाई की शादी है गुरुद्वारे में और 12 बजे फेरे हैं और 10 बज चुके हैं और अभी तक हम रेडी भी नहीं हुए हैं। और ये देखो ब्लिस कितनी गंदी हो रखी है, वो तो मैं बाहर आ गया देखने के लिए और ये देखा कि टायर भी पंचर है इस साइड का। भैया को बुला लिया, भैया फटाफट पंचर लगा रहे हैं और ये भी अच्छी बात है कि भैया की शॉप सामने ही है तो फटाफट काम हो जाएगा। तो फाइनली गाड़ी का पंचर भी लग गया और गाड़ी वॉश भी कर दिया मैंने, क्योंकि पापा बता रहे दो तीन दिन से कार वॉश वाले भैया ही नहीं आ रहे, तभी गाड़ी इतनी गंदी की हो रही है। फिलहाल चलते और फटाफट रेडी होते हैं। आज एक मस्त सरप्राइज भी आगे व्लॉग में, तो व्लॉग आगे जरूर देखना। और इतना सा हिंट दे रहा हूं कि भाई के जो फेरे होने वो गुरुद्वारे में होने। तो गाइस हम लोग सारे रेडी हो गए थे एंड जो पारस को आपको सरप्राइज दे रहा है वो भी थोड़ी देर में आएगा, हम लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। मम्मा और हिमांशी गाड़ी में बैठे हैं। आज तो बहुत गर्मी है यार। मैंने भी वही वाला आउटफिट पहना है जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मानसी ने भी और मैंने भी वही पहना है। ओह माय गॉड, मेरा नोना सरदार जी। तो गाइस ये था सरप्राइज, आज मैं पग बंधवा के जाऊंगा शादी में। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड इन गुरुद्वारा। देखो बैसाखी है ना, इसलिए गुरुद्वारा इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ हुआ है और पारस यहाँ पे बेबी सिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबू बोलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सारे।
शादी हो गई है डन, यहाँ हम सब खा रहे हैं खाना। तो चलो दूल्हा दुल्हन से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फाइनली हम मैरिज से हो गए हैं फ्री और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पग उतार दूँ क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा कानों में दर्द हो रहा है। मैं तो सच में सैल्यूट करता हूँ उनको जो पग पहनते हैं, रियली बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उतारते हैं। ओह गाइस, अब जाओगे मेरे कानों को ना सुकून मिल रहा है, पेन बहुत हो रही है। पर गाइज दिस इज नेक्स्ट डे। कल रात को आते ही हम लोग सो गए थे, व्लॉग एंड करना मैं भूल ही गई, तो फिर इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइज तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।